नमस्कार, मैं आपके साथ हूं संजीव शंकर तिवारी। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल क्रिएटिव सेस में। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किसान अपने आलू की फसल में शराब का छिड़काव क्यों कर रहे हैं। क्या उनका ये प्रयोग करना, छिड़काव करना सही है या गलत है? क्या उन्हें इस तरह शराब का प्रयोग करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? शराब का प्रयोग करने के लाभ क्या हैं और उससे हानियां क्या हैं? इन सभी सवालों का जवाब एक एक करके जानते हैं इस वीडियो में। तो एक एक प्रश्न को लेते हैं, उसके बाद में उसका जवाब जानते हैं। देखा जाए तो ऐसा मिलता है कि कुछ प्रांत के किसान, जहाँ आलू की खेती बहुल रूप से हो रही है, वो किसान अपने आलू की फसल में शराब का छिड़काव कर रहे हैं। अब उनका ये मानना है कि इससे आलू की उत्पादन में वृद्धि होती है। अब हमारे लिए ये जानना बेहद जरूरी होगा कि क्या सच में शराब की यानी कि अल्कोहल के छिड़काव से आलू की उत्पादन में वृद्धि होती है। तो इसे जानने के लिए हम अपना अगला सवाल ले लेते हैं। अगर शराब के छिड़काव से आलू के उत्पादन में वृद्धि हो रही है तो हमें इसका प्रयोग करना चाहिए, अन्यथा नहीं करना चाहिए, गलत है। और जो गलत है, तब तो कोई सवाल ही नहीं उठता है कि हम शराब का छिड़काव करें, वो भी उत्पादन वृद्धि के लिए। अब देखा जाए तो कुछ किसान ऐसे हैं जो शराब के साथ में उत्पादन वृद्धि के और भी प्रोडक्ट का इस्तेमाल करते हैं। और प्रोडक्ट में आता है जैसे जिब्रेलिक एसिड है, ह्यूमिक एसिड है, फैलविक एसिड है, इन सब का इस्तेमाल करते हैं। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जिब्रेलिक एसिड, ह्यूमिक, फैलविक जो भी हैं, जो भी केमिकल प्रोडक्ट हैं, वो अपने आप में पूर्ण क्षमता रखते हैं उत्पादन वृद्धि बढ़ाने की। उसमें आपको शराब मिलाने की ज़रूरत नहीं है। अगर शराब मिलाने की ज़रूरत होती तो हमारे जो कृषि विशेषज्ञ हैं वो हमें सलाह जरूर देते कि इसमें आपको शराब मिलाना है। लेकिन हमें बताया जाता है कि ह्यूमिक, फैलविक या जिब्रेलिक जो भी है, उसे पानी में घोल करके आपको छिड़काव कर देना है, आपके उत्पादन में वृद्धि हो जाएगी। तो उसमें शराब मिलाने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, अगर फंजी साइड का इस्तेमाल कर रहे हैं, जैसे मेनकोजेब है, कार्बंडाजिम है, इसका प्रयोग कर रहे हैं, तो आप इसमें कर सकते हैं, क्योंकि इसका प्रयोग आपको ह्यूमिक, फैलविक में भी करना होता है, वो पाले से बचाने के लिए करना होता है। हाँ, आपको एक बात और बताना चाहूँगा कि आलू की खेती में जिब्रेलिक एसिड का प्रयोग ना करें। होता तो ये उत्पादन वृद्धि के लिए है, लेकिन आलू में आप इसका प्रयोग ना करें। जिब्रेलिक एसिड के बारे में मैं आपको एक्स्ट्रा एपिसोड बना करके उसमें आपको सब कुछ बता दूंगा कि जिब्रेलिक एसिड क्या है, कैसे काम करता है और आपको किन फसलों में इसका प्रयोग करना चाहिए, जिससे आपको उस फसल के उत्पादन में आपको वृद्धि मिलेगी। अब हम लेते हैं अपना अगला सवाल। अगर शराब का प्रयोग करना सही है तो उसका हमें प्रयोग करना चाहिए। अगर शराब का प्रयोग करना गलत है तो हमें उसका प्रयोग नहीं करना चाहिए। अगर आपको पिछले जवाब में सही गलत का सही सही अंदाजा नहीं हो पाया है, तो मैं यहाँ आपको इस जवाब में उदाहरण दे करके समझाए देता हूँ, जिससे आप अच्छे से आपको सही गलत की समझ हो जाएगी। तो चलिए देखते हैं अपना उदाहरण। आप छोटे खेतिहर किसान हैं या बड़े खेतिहर किसान हैं, इससे मुझे कोई मतलब नहीं है। मैं मान लेता हूँ कि आपके पास एक कच्चा बीघा यानी 20 डेसीमल आपने आलू लगा रखी है। अब आपको करना ये है कि 10 डेसीमल में आपको शराब का छिड़काव करना है और 10 डेसीमल में आपको ह्यूमिक फैलविक का इस्तेमाल कर लेना है। इसके बाद दोनों फसलों की सेवा बराबर से कीजिए और जब फसल तैयार हो जाए तो उसकी अलग अलग खुदाई करके दोनों की तुलना कीजिए। जिसके उत्पादन में आपको वृद्धि दिखी उसका आप प्रयोग कीजिए उस प्रोडक्ट का। अगर शराब में दिख रही है तो शराब का प्रयोग कीजिए, फैलविक में दिख रही है, ह्यूमिक में दिख रही है तो उसका प्रयोग कीजिए। जिसके उत्पादन में आपको वृद्धि दिखी वो आपके लिए सही है, उसका आप प्रयोग कीजिए। तो एक बार ये करके आप देख सकते हैं। दूसरे वे लोग प्रयोग कर सकते हैं जो प्रयोग के लिए प्रयोग करना चाहते हैं। यहाँ थोड़ा प्रयोग ज्यादा हो गया। देखो, मेरे कहने का मतलब है जो एक्सपेरिमेंट के लिए यूज करना चाहते हैं वो यूज कर सकते हैं। अब एक्सपेरिमेंट आप जब तक चाहे तब तक कर सकते हैं, इसमें तो कोई प्रतिबंध है नहीं कि आप एक बार कीजिए, दो बार कीजिए। देखो, यहाँ पर थोड़ा ध्यान देना, इसलिए थॉमस एल्वा एडिसन ने 1000 से भी ज़्यादा बार प्रयोग किया था, यानी एक्सपेरिमेंट किया था, उसके बाद एक बल्ब बनाया जो हम लोग जलाते हैं। लेकिन इन सैकड़ों एक्सपेरिमेंट में एडिसन ने एक काम किया था,
उन प्रोडक्ट पर पैसा खर्च नहीं करते थे जो उनके प्रयोग में कोई योगदान नहीं देते थे या कोई फायदा नहीं करते थे, तो उन पर वो पैसा नहीं लगाते थे, उसके लिए दूसरा कुछ खोजते थे जिस पर वो पैसा लगाते थे। जैसे आपका शराब प्रयोग करते हैं, उस पर कोई फायदा नहीं मिल रहा है तो आप ह्यूमिक फेलवे पर लगा दीजिए, पैसा वही है, लगाना आपको अलग अलग तरीके में है। अगर ह्यूमिक फेलवे फायदा नहीं दे रहा है तो कोई दूसरा केमिकल आप ब्रांड यूज कर सकते हैं। तीसरे, वे लोग प्रयोग कर सकते हैं जिन्हें शराब पर अटूट विश्वास हो गया है कि शराब के छिड़काव से ही उत्पादन में वृद्धि होगी। अब इसका एक उदाहरण मैं आपको देना चाहूंगा। कुछ खरपतवार नाशक दवाओं जैसे टिंजर है, लार्डिस है, सल्फोसल्फ्यूरॉन है, इसमें सर्फेक्टेंट आता है। इन दवाओं में मिले हुए इस सर्फेक्टेंट का दो काम होता है। पहला, दवाओं के साथ जाना और उसे पौधों की पत्तियों से चिपकाना, और दूसरा काम है दवाओं के साथ जाना और पत्तियों को ज्यादा से ज्यादा गीला करना जिससे कि दवाई बेहतर रूप से काम कर सके। तो ये मुख्यतः दो कार्य होते हैं सर्फेक्टेंट के जो कार्य करता है। लेकिन किसान का विश्वास है कि वो एक टॉनिक है जो पौधों को हरा भरा करती है, उनका ग्रोथ कराती है, तो इसके लिए वे उस दवा का प्रयोग करते हैं। कुछ किसान तो ऐसे भी होते हैं जो खरपतवार ना होने के बाद में भी उसका छिड़काव कर देते हैं कि इससे हमारी फसल हरी भरी हो जाएगी और उसकी ग्रोथ हो जाएगी, जबकि ऐसा है नहीं। अब हम अपना अंतिम सवाल भी ले लेते हैं। हानि व लाभ के लिए सबसे पहली और आखिरी राय हम मानेंगे अपने कृषि विशेषज्ञों की, जो हमारे कृषि कार्यों को फायदेमंद बनाने के लिए, बेहतर बनाने के लिए, सुलभ बनाने के लिए नई नई तकनीकियां ईजाद करते हैं, नए नए शोध कार्य करते हैं, नई नई दवा, बीज, उर्वरक हम तक पहुंचाते हैं। कृषि विशेषज्ञों के अनुसार शराब के छिड़काव से ना ही कोई हानि है ना ही कोई लाभ है, यानी कि हानि लाभ कुछ नहीं है, आप छिड़क दीजिए चाहे ना छिड़कीए। लेकिन मैं यहाँ आपको कुछ हानियों के बारे में जरूर बताना चाहूंगा, आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। मैं आपको मोटे तौर की तीन हानियों के नाम बताना चाहूंगा, जिसमें सबसे पहला है आपका पैसा जो आप शराब खरीदने में लगाते हैं या फिर मशीन का किराया देने में लगाते हैं। दूसरा है परिश्रम जो आप करते हैं और अपने सहयोगी से पानी ढोने के वास्ते कराते हैं। और तीसरा है समय जो आप उसे कार्य को पूरा करने के लिए खर्च करते हैं, अपना भी और अपने सहयोगी का भी। इसमें कुछ लोग ऐसे भी हैं जो सारा काम पैसों से ही कराते हैं, तो उनका पैसा ज़्यादा खर्च होता है। अब आप खुद सोचिए कि आपको शराब का प्रयोग उत्पादन के लिए करना है या नहीं करना है। तो आज की इन्हीं जानकारियों के साथ मैं लेता हूँ आपसे इजाज़त, मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में और जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, राम राम।